हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएच ट्यूशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे पी बी शेली का एक फेमस पोएम जिसका नाम है ओजीमेंडियस ऑफ इजिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले वाला लाइन से। सबसे पहले वाला लाइन क्या है, ये है, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। और आपको तो पता होगा एंटिक का मतलब होता है कोई भी एक पुराना चीज़। ओके, लेकिन यहाँ पर एंटिक लैंड के बारे में बताया है। एंटिक लैंड का मतलब होता है यहाँ पर इजिप्ट के बारे में बताया, और इजिप्ट एक बहुत ही पुराना कंट्री है, और वहाँ पर इतना पुराना पुराना चीज़ें मिलेगा। बहुत सारे फिल्म भी बनाया गया है इसके ऊपर। और देखिए, यहाँ पर हमारा पॉइंट कहता है कि वो एक ट्रेवलर से मिलता है, वो एक ट्रेवलर से मिलता है जो इजिप्ट से थे, और वो ट्रेवलर उसको बोलता है, क्या बोलता है, टू भास्ट, मतलब दो बहुत ही बड़ा, और ट्रंकलेस, ट्रंक का मतलब होता है टॉर्सो। ओके, ट्रंक का मतलब क्या है, टॉर्सो, टॉर्सो मतलब बॉडी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ट्रंकलेस लेग के बारे में बताया। ट्रंकलेस लेग मतलब विदाउट बॉडी, दो लेग, दो बड़ा बड़ा लेग, पत्थर का लेग, वो डिजर्ट पर खड़ा था, ना कि उसका ऊपर वाला हिस्सा है, ना सर है, ना बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ दो लेग खड़ा था उधर। ओके, बहुत ही बड़ा, नियर देम, और उसी दो लेग के सामने ऑन द सैंड, मतलब रेत के ऊपर, हाफ सेंक, हाफ सेंक मतलब आधा डूबा हुआ, शटर्ड भाइसेक लाइस, शटर मतलब टूटा फूटा पीस, भाइसेक का मतलब होता है फेस, मतलब टूटा फूटा सर, वो रेत पर डूबा हुआ है। ओके, गिरा पड़ा है, जो एकदम ही डिस्ट्रॉय हो चुका है उसका सर। हुस फ्राउन, और यहाँ पर फ्राउन का मीनिंग है कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है। ओके, वो जो स्टैचू है, ओजीमेंडियस के स्टैचू, अभी तो पूरा का पूरा स्टैचू नहीं है, वो क्या है, अभी उसका सर भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, टूटा फूटा एकदम रेत पे गिरा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ दो लेग वहाँ पर खड़ा था, बहुत ही बड़ा लेग। और यहाँ पर वही जो टूटा फूटा बॉडी रेत पर गिरा पड़ा है, वो एक क्या दिखाता है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ओके, एंड रिंकल लीप, उसका जो लीप है, ओके, रिंकल्ड हो चुकी है, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमान, और वो क्या दे रहा है, स्नेयर का मतलब होता है मॉकिंग, मतलब थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का चीज। ओके, मॉकिंग कर रहा है उसका जो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हुआ बॉडी और सर जो है, लीप जो है, वो यही मतलब ये कर रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि ये जो किंग था, ये किंग तो शायद था पावरफुल, लेकिन अभी किंग का कोई पावर अभी नहीं है। ओके, क्योंकि किंग अभी पूरा टूटा फूटा होके गिरा पड़ा है रेत पे। टेल देम, यहाँ पर देखिए, टेल दैट स्कल्प्टर वेल दोस पैशंस रीड हुइस येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्कल्प्टर जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मूर्तिकार का पैशन दिखाया गया है। ओके, राजा का कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ पर, मूर्तिकार का पैशन दिखाया गया है, मूर्तिकार का टैलेंट दिखाया गया है यहाँ पर। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोस पैशंस रीड हुइस येट सर्वाइव, जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, उसका पैशन, उसका टैलेंट अभी भी जिंदा है वहाँ पर। जब आप वो लेग देखोगे, जब आप वो बॉडी देखोगे जो गिरा पड़ा है, जब आप वो हेड देखोगे, सर देखोगे गिरा पड़ा है, उसको देखकर आपको पता लगेगा कि वो स्कल्प्टर कितना टैलेंटेड था। स्टैम्प्ड, स्टैम्प मतलब प्रिंट किया गया, जो लिखा हुआ है वहाँ पर, स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग, वो जो लाइफलेस थिंग है, लेकिन उसमें एक इम्प्रिंट रह गया, उसमें एक लिखावट रह गया, उस पर एक ऐसा एहसास रह गया कि वो किंग जो है अभी नहीं है, मर चुका है, सब हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन जो स्कल्प्टर का जो टैलेंट था वो अभी भी जिंदा है। उस मूर्ति को देख के ऐसा पता चलता है वो स्कल्प्टर कितना टैलेंटेड था। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, वो मूर्तिकार का हाथ, मूर्तिकार का हाथों से वो मूर्ति बनाया था, वही मूर्तिकार का हाथ अभी क्या बताता है कि किंग जो है, वो जो किंग जो है अभी
हो सकता है वो एकदम ही इमोशनल हो जाएगा ये सुन के कि सभी लोग मूर्तिकार का टैलेंट को बाबा कर रहा था, लेकिन ये जो ओजिमेंडियस किंग जो था उसका अभी इतिहास में कोई नाम ही नहीं है, टोटली ख़त्म, उसका डिस्ट्रॉय हो चुका था एवरीथिंग। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है देखिए, एन ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, जो प्लेट होता है, जो मूर्ति खड़ा होता है उसके नीचे जो प्लेट होता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, ओके, उसके बारे में बताया। एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर, और उस पेडेस्टल में क्या लिखा है, माय नेम इज ओज़िमेंडियस, मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा हूँ मैं। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखिए, लुक्स लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखिए, ये माइटी, कितना पावरफुल हूँ मैं, एंड दिस पेयर। लेकिन अभी हर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ डिसअपीयर हो चुका है, मतलब हताश हो चुका है, निराश हो चुका है किंग। क्यों क्यों निराश होगा, क्योंकि अभी वो किंग जिंदा नहीं है, उसका पावर जिंदा नहीं है। एक समय था वो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन अब जो है वो किंग पावरफुल नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन, नथिंग बिसाइड रिमेन, पीछे कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह के गया, ओके, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। अभी हर एक चीज़ डेस्ट्रॉय हो चुका है, राउंड द डिके, हर एक चीज़ ख़त्म हो चुका है, डेस्ट्रॉय हो चुका है। ऑफ दैट कोलोजेल रेक, कोलोजेल का मतलब है यहाँ पर ह्यूज, रेक का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, मतलब ह्यूज डिस्ट्रैक्शन हुआ, ओके। अनलिमिटेड बाउंडलेस बेयर, मतलब एकदम टूटा फूटा खाली है जगह, जहाँ पर स्टैचू खड़ा था वो स्टैचू के जगह पर दूर दूर तक एकदम खाली पड़ा है। लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, मतलब वो जगह एकदम सुनसान, अभी सुनसान है, दूर दूर तक अभी उसका कोई सिंबल नहीं है, चिन्ह नहीं है। तो टोटली अगर हम देखें ये पोएम को, तो आप यही अंदाज़ा लगाइए कि पोएम इसके बारे में बताया कि ओज़िमेंडियस जो किंग था, स्पेशली ओज़िमेंडियस का मतलब भी होता है किंग, और यहाँ पर किंग है रामसेस 2, रामसेस 2 के बारे में, रामसेस 2 जो किंग था इजिप्ट का, तो उसके बारे में बताया कि एक समय था ओज़िमेंडियस किंग बहुत पावरफुल होते थे, उसका रूल बहुत ही पावरफुल होता था, ओके, वो उसका जो किंगडम था बहुत ही बड़ा था, लोगों के अंदर उसका भय भी रहता था, ओके, एरोगेंट नेचर भी था। लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि ओज़िमेंडियस किंग खुद जिंदा नहीं है, वो तो मर चुका है, लेकिन उसका किंगडम भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और लास्ट एट लास्ट देखिए, उसका जो स्टेचू था, स्टेचू भी टूट फूट कर गिर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ दो लेग खड़ा था, और उसका जो सर था और बॉडी था, टॉर्सो, वो भी रेत पर गिरा पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किंग के बारे में आजकल कोई भी नहीं सोचता, लेकिन उसका जो स्टेचू है, स्टेचू में जो लिप रिंकल लिप है, या फिर उसका जो बॉडी है, जो चमक है बॉडी में, उससे यह पता चलता है कि जो स्कल्प्टर था वो बहुत ही टैलेंटेड था, वो हर एक चीज़ बारीकी से बनाता था। तो ये टोटली, और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल दे दूंगा मैं, ओके, इसका समारी भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इजी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट तो ज़रूर करें कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।